नमस्कार दोस्तों, लर्न माउथ ऑर्गन विद राकेश के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लाया हूं फिल्म महबूबा में किशोर कुमार जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। बहुत ही पॉपुलर गीत है और इसको बजाना राग शिवरंजनी पे है शायद ये आधारित, और इसके स्वरों के सहारे सारे ग प ध सा ये इसके स्वर होते हैं, और ग इसमें कोमल ग का प्रयोग होता है, एक आध जगह इसमें शुद्ध ग का भी प्रयोग है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा बजा कर दिखाता हूँ और उसके बाद हम लोग नोटेशंस के सहारे इसको सीखते हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। इस तरह से एक गीत है, आप इसको पहले अच्छी तरह सुन लीजिएगा और फिर इसको बजाने की कोशिश कीजिए। तो इसकी पहली लाइन मुखड़े की शुरू करते हैं। मेरे नैना सावन भादो, के स्टार्टिंग नोट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। धसा धसा सा, सा इसका अपर ऑक्टेव का यहां पे आ रहा है। धसा धसा सा रे सा ध प प ध ध प, मेरे नैना सावन भादो। प धसा धसा सा रे सा ध प प ध ध प, फिर भी मेरा मन प्यासा। प ध ध ध प ग ग रे ग रे सा। ध ध प प ध ध ध प ग ग रे ग रे सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। सारे ग प ध प ध प ग रे सा सा, सारे ग प ध प ध प ग रे ग रे सा। ये ग इसमें तो इस तरह से, उसके बाद इसका अंतरा पार्ट। ए दिल दीवानी, सारे ग प ध प ध ध प ध प ग रे सा, सारे ग प ध प ध प ग रे सा, खेल है क्या जाने। सारे ग प
रे ग प ग पे आपको स्लाइडर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये कोमल ग है, तो जैसे रे आप बजाते हैं उसी जगह पे उसी तरह से बजाइए और स्लाइडर को प्रेस करिए तो आपको कोमल ग मिलेगा। सारे यस इस तरह से बजेगा, उसके बाद ग उसी तरह से आप स्लाइडर प्रेस। धप ध ध प प दर्द भरा ये, इसमें इस जगह पे आप शुद्ध ग लगाएंगे तो बेटर होगा। ग प प ग प प प ध नी ध प नी कोमल यहाँ पे लगेगा, जिसको मैं हमेशा आपको स्मॉल लेटर के एन से डिनोट करता हूँ। ग प प प ध नी ध ग प प प ध नी ध प गीत कहाँ से, फिर उसी तरह से ग प प प ध नी ध प इन होठों ग प प ध सा ग प प ध सा रे सा रे ग रे सा रे ग। ग कोमल, अपर ऑक्टेव का रे और सा रे ग अपर ऑक्टेव पे जा रहा है अब। इन होठों पे ग प प ध सा रे सा रे ग। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शुद्ध ग है। तो इस लाइन में आप देखेंगे कि कोमल ग और शुद्ध ग दोनों का प्रयोग हो रहा है। दूर कहीं ले जाए ग ग रे सा ध रे सा 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 भूल गया क्या प ध सा ध सा सा भूल के भी है रे सा ध प प ध ध प मुझको याद जरा सा मुझको याद। फिर से ये गाना वहीं पे आ जाएगा, मुखड़े पे मिल जाता है। तो इस तरह से आप इसको बजाइए और मैं पूरे नोटेशंस आपको दे रहा हूँ तो मुखड़ा और अंतरा दोनों आप बजा पाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। थोड़ा सा इसमें आप स्लाइडर का प्रयोग है इसलिए आप उसको ध्यान रखिए और स्लाइडर की भी प्रैक्टिस कीजिए इससे। तो मेरे ख्याल से नोटेशंस के सारे आप अगर गाने को अच्छी तरह सुन लेते हैं और आपको गाना पसंद है तो आप बजा पाएंगे। तो ये वीडियो पे यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अगले वीडियो के लिए फिर से कोई और नया सॉन्ग लेके मैं आऊँगा। तब तक के लिए आप जो मैंने सॉन्ग दिए उसको प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा अपने सरगम की प्रैक्टिस कीजिए और खुद से भी गाने निकालने की कोशिश करते रहिए, तो एक दिन आप बिना नोटेशंस के अपने आप भी बजा पाए।
तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल है, सॉन्ग आप बजा पा रहे हैं, तो मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे शेयर कीजिए अपने म्यूज़िक लवर दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा नया वीडियो जब भी आए आपको उसकी नोटिफिकेशंस इमीडिएट मिल जाएगी। और जो लोग यूट्यूब के लिए नए हैं उनसे पुराने लोगों को मालूम है कि सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई पैसे लगते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो भी चैनल आपको पसंद है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसकी नोटिफिकेशंस नए वीडियोस की आपको मिल जाएगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।